किसी भैन भरा से कोई तकलीफ आँदी है तो जो नाल का भैन भरा आके ऐ कह रहे भी कोई नहीं तकड़ा रहा नाल है तो मुसीबत चो बंदा निकल जाता। सो इतने कला कोई नहीं तकड़ा रहने वाली गल नहीं। मुख्यमंत्री साहब ने पंजाब सरकार वालों सख्त हदायत की भी 14 अप्रैल तक सारी गिरफ्तारी करके तो जिन्ना जिन्ना किसी का मुआवजा बनता वो वो खाते पहुँचा देना। और खास हदायत यह है भी पहला वागू जिम पिछली बार पहलिया सरकार वेले हों भी नरमे वाले झोने का मिल गया झोने वाले नरमे का मिल गया तो वो मिल मिला के कर जाते कोई नहीं और एक रुपये की किसी रिश्वत नहीं दे सारा कुछ ट्रांसपेरेंट होना। और पहला 12,000 रुपया पर एकड़ मिलता हों जी 75 to 100% तक खराबा हों इस बार 15,000 तो पिछली बार नो 25% सारे जोड़े जोड़े ब्रैकेट्स है उन्होंने हो जाना। सो मेरे नाल साढ़े तहसीलदार साहब साढ़े चीफ एग्रीकल्चर अफसर इन्होंने सारा महकमे की टीम सारे असं लगे हुए हैं और जल्दी तो जल्दी पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके पारदर्शी तरीके और क्योंकि लोगों के सेवादार है तो सेवादार जी मुश्किल की घड़ी चाल खड़े तो वो साडा फर्ज है उस फर्ज के तहत देखो नुकसान तो होया ही नुकसान होया पर अपने लोग तकड़े है गुरु साहब की कृपा है गुरु साहब ने जे इतने नुकसान है क्योंकि सच्चे पातशाह मेहर करेंगे सानू पूरा भी कराने सरकार भी नाल खड़ी है तो नुकसान तो इस वक्त अपने इधरले पासे जिहड़े इधरले नाल दा टोटल रिवेंट किन्ने यही कोशिश की जाएगी और ए संबंध की होर कोई इंस्ट्रक्शन की लोड़ है वह भी जारी करवाने की कोशिश करा। देखो नीयत साफ है नीति क्लीयर है सो सारे जने रल मिल के आप जिहड़ा लोगों के नाल खड़ांगे और जिन्हू जिन्ना हक है जो बनता है जो सहायता बनती पहुँचाई जाए। ये बारे भी मुख्यमंत्री साहब पहला सब तो पहला तो उन्होंने जो पहला फैसला ही मजदूरों के हक च लिया आ जिहड़ा बिजली मुक्त करने वाला काम है सब तो पहला गरीब बंदे के हक च लिया। सो इस तरह के होर भी फैसले आते जाएंगे होर भी फैसले आते भरोसा की उन्होंने मदद देनी है पहला भरोसा थोड़ी भरोसे तो पहला देंदे होंगे हम मदद करनी है।